सिंप्लीफाई करना है, और 10 में भी है, इसका रूट निकालना है। देखिए क्या दिया, दिया हुआ यहाँ पे कि रूट अंडर 3 + √2। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखिए इसमें सेट करेंगे किस तरह से, रूट के अंदर में 2 + 1 कर देते हैं और फिर प्लस में 2√2, ऐसे लिख सकते हैं ना 3 को ऐसे। जैसा 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर, प्लस 2 × √2 × 1, ताकि ये फॉर्मूला सेट हो जाए, a² + b² + 2ab। पढ़े ना जी, a² + b² + 2ab किसका होता है फॉर्मूला, a + b² का होल स्क्वायर का। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा अंदर √2 + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, √2 + 1 इसका आंसर आ गया। 10 नंबर देखते हैं, सेम इसी तरह का है, √3 - √2, बस इसमें माइनस वाला आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 + 1 - √2। अच्छा अब इसे कर देते हैं √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 2 × √2 × 1। चलिए अब ये फॉर्मूला हो गया किसका, a² + b² - 2ab, इस फॉर्म पे ना है जी, ये फॉर्मूला होता है a - b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर, से रूट हट गया, √2 - 1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, यहाँ x का वैल्यू दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ